आ जाओ भाई दोनों, ये देखो यार हमारी दोनों कैट्स है ना दोस्तों, मेरे पीछे ही घूम रही है यार। हेलो आ जा भाई। चलो अभी मैं तुम्हारे लिए जल्दी 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 अभी खाना रेडी करता हूँ। और दोस्तों मैं जैसे स्टोर रूम में आता हूँ इनका खाना लेने के लिए, ये दोनों कैट्स यार यहाँ पे बैठ जाते। कल परसों का मैं इनको देख रहा हूँ यार, भाई कैसा देख रहा है। चलो भाई यार तू तो ऊपर आ गई यार, एक मिनट मैं नीचे रख देता हूँ। एक मिनट आ जाओ, चलो इधर आ जाओ, चलो चलो आ जाओ, वहाँ पे आदत नहीं डालनी भाई अपने को खाने की। चलो इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हेलो इधर। तो दोस्तों अभी हमारी दोनों कैट्स खाना खाने में व्यस्त है, तब तक मैं क्या करता हूँ हमारे सारे फिशेज को मैं फीड कर देता हूँ। तो दोस्तों काफी सारे भाइयों को लग रहा था कि यार हमारे घोस्ट फिश की डेथ हो गई है, भाई वैसे कुछ नहीं हुआ। ये देखो ये हमारे दोनों घोस्ट फिश, तीन थे, एक कहाँ पे गया उस मटके के पीछे होगा शायद से, ये दो यहाँ पे है, एक मटके के अंदर है। दोस्तों मैंने घोस्ट फिश का देखा है भाई, इनको जैसे मैं खाना डालता हूँ पहले नहीं आते यार, इनको जब स्मेल वगैरह लग जाते ना, ये देखो अभी लग चुकी है, अभी इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं ना भाई ये देखो भाई, और ये इतने एक्टिव हो जाते हैं, ये देखो भाई ये जंप करने का देखते है भाई बाहर, जैसे इनको फीड दूंगा ना, ये देखो भाई ये देखो इनका देखने लायक होता है भाई। मुझे तो भाई पहले पहले ऐसा लगा था कि भाई ये सीधा बाहर जंप मारने वाले हैं, बट कोई नहीं यार अभी आदत हो गई है, ये खाना खाते वक्त ऐसे ही करते हैं। देखा भाई घोस्ट फिश कैसे खाना खाते हैं, ये जब खाना खाते हैं ना इनको देखने में बड़ा मजा आता है, ठीक है ना। और हमारे पास 10-12 घोस्ट फिश रहते और मजा आता है इनको फीड करने में। और दोस्तों आप मुझे एक जरूर सजेस्ट करना कि हमारे घोस्ट फिश का टैंक मेट कौन हो सकता है, ठीक है, मतलब इनके साथ हम कौन से फिश रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यार ये पूरा टैंक खाली खाली लग रहा है तो इतना मजा नहीं आ रहा है इनको देखने के लिए। और हमारे फिश रूम में सबसे फास्ट फीड करने वाले फिश मतलब हमारे जैसे कि टाइगर बाब कलर वीडियोज कोई फिश बहुत ही तेजी से भाई ये खा लेते हैं, एक बड़ा ब्लड वॉर्म का क्यूब ऐसे तो एक मिनट के अंदर ही खत्म कर देते हैं। ये देखो भाई इनकी स्पीड देखो यार। और दोस्तों हमारे ऑस्कर फिश का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता यार, ये फीडिंग में सबसे खतरनाक होते हैं। ये देखो ये तो डायरेक्ट सीधा बाहर जंप करने का देखते हैं, ये देखो ओए भाई मेरा हाथ ना खा जाओ यार, ये देखो जबरदस्त फीड करते हैं भाई ये, ओहो इनको फीड करने में एक अलग ही मजा आता है भाई। ओए बॉब तू भी खाएगा, आ जाओ। ओए यार मैंने क्या किया भाई, तूने जंप कर दी तो चला जा। तो दोस्तों मैं जैसे ही फीड करने के लिए निकलता हूँ ना भाई हमारे सारे सेटअप की फिशेज को, तो भाई हमारे दोनों कैट में दौड़ी चली आती है यार इनको। अभी इनको लिए मैंने खाना दिया था बट कोई नहीं यार, उनको खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको सिर्फ मेरे साथ घूमने का इंटरेस्ट है। देखो भाई ये हमारा मेल और ये फीमेल यहाँ पे बैठी, कैसी लगे भाई तुझे कैट? अच्छा हाँ वो खेलता ज़्यादा है ना एक्टिव, इसी की वजह से तुझे अच्छा लगा होगा। फीमेल के मुकाबले हमारे जो मेल हैं दोस्तों ज्यादा एक्टिव है। दोस्तों हमारे रैबिट्स की हरी हरी घास आ चुकी है, आ जाओ भाई। स्नो ब्लैकी, ये तुम्हारे लिए और ये हमारे ग्रे और ग्रे के बच्चों के लिए। देखो यार हमारे ग्रे के सारे बच्चे नीचे हैं, हमने कल इनके लिए घर बनाया था नीचे, और ये देखो भाई ये हमारा आइडिया कामयाब भी रहा। चल ग्रे आ जा, अभी आ जाएंगे खाने के लिए, अभी नहीं आएंगे यार थोड़ी देर के बाद आएंगे मैं जब जाऊँगा तब। तो दोस्तों मैंने अभी हमारे पिजन्स को भी खाना दे दिया, ये देखो भाई सारे पिजन सभी खाना भी खा रहे हैं उनका, और हमारी जो कैट है उनको देख रही है, और यहाँ पे हमारे बजेस को भी मैंने उनका खाना दे दिया। यार हमारी कैट बजीज और जो पिजन्स है उनका एक अलग ही बॉन्ड हो चुका है, मैं मतलब हमारे पिजन्स बहुत ज़्यादा डरते थे पहले, अभी कुछ नहीं डरते यार, आराम से उसके सामने ही खाना खाते। और पिजन्स और बजीज का भी मैंने खाना दे दिया। दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने मतलब कुछ हफ्तों पहले हमने हमारे गप्पी फिश के रूम में कुछ एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था, ठीक है, जो कि था दोस्तों हमने जो वाटर कैबेज और कुछ अलग 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 प्लांट्स थे, तो हमने वो सारे प्लांट्स यहाँ के लगाए थे, ठीक है। और आपको मैं बोला था कि मैं आपको इनका अपडेट नेक्स्ट 15 डेज भी दूंगा, तो अभी 15 क्या 20 डेज हो चुके हैं यार, ठीक है, मैंने अभी तक उनका अपडेट नहीं दिया, ठीक है। तो वो कैसे ग्रो हुए और कैसे मतलब उनका रिजल्ट क्या है मैं आपको आज सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसी लाइट में हमने वो प्लांट्स वगैरह ग्रो किए हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले भाई वाटर कैबेज की बात करते हैं, तो वाटर कैबेज देख सकते हैं, और सारे की सारी वाटर कैबेज हमारी मतलब देखो यार ऐसी कुछ हो गई यार, बिल्कुल भी ये ग्रो नहीं हो पाई यार, ठीक है। अभी ये ग्रो क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि इनको यहाँ पे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिला। मुझे लगा कि यार ये वाला जो लाइट है तो ये लाइट इनको लाइट मतलब जो इनको लाइट की ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड कर देगा और ये अच्छे से ग्रो हो पाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों, इनकी हो गई मतलब ये अच्छा फेल नहीं रही यार, ठीक है।
तो अभी हमें इनको जल्दी से जल्दी अच्छे मतलब किसी अच्छी जगह पे शिफ्ट करना होगा, नहीं तो ये सारे अभी मिट जाएंगे। और सेकेंड वाला प्लांट हमने लाया था रिवर से, जो कि पूरा मिट चुका है भाई, ठीक है, उसका नामोनिशान ही मिट चुका है, ठीक है। कहाँ गया भाई, देखो मैंने यहाँ पे भी ऐड किया था, ये देखो ये डकवीड्स करके कुछ था, तो यहाँ पे एक दो पड़े हुए हैं, ये देखो यार इसके भी अभी पीले पत्ते हो चुके, मतलब ये भी अच्छे से यहाँ पे ग्रो नहीं हुआ। और दोस्तों थर्ड वाला प्लांट था जो कि हमें साइड वाले सेटअप से मिला था, ठीक है, जो कि डकवीड जैसे ही होता है वो, बट वो फिशेज खाना पसंद करती है वो प्लांट को, ठीक है, तो वो प्लांट भी ग्रो नहीं हो पाया। उसका कुछ सबूत होगा यार, हाँ ये देखो ये रहा उसका कुछ प्रूफ, ये देखो दोस्तों ये वाला वो प्लांट था, ठीक है, मतलब वो तो पूरा ख़त्म ही हो चुका है। तो हमें यहाँ पे इतना सक्सेस नहीं मिला, मतलब मिला ही नहीं यार, बट हमारे जो गप्पी ग्रास और जो फॉक्सटेल प्लांट है तो वो बड़े ही अच्छे ग्रो हुए यार यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने पहले भी यहाँ पे बहुत सारे ग्रो किए थे और अभी तो मैंने इतना इतना टुकड़ा डाला था, तो देखो यार ये कितना बड़ा हो गया, ये देखो। तो यहाँ पे ये वाले प्लांट तो बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं यार, ये देखो मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे इतना ही डाला था, तो ये देखो कितना बड़ा हो गया है, यहाँ पे भी देख सकते हो। और बाकी तो मैंने निकाल दिए थे, बाकी तो मैंने यहीं पे दे दिए थे ऊपर, बाकी उधर उधर शिफ्ट कर दिए थे। और जिधर मैंने ऐड किए ना भाई, ये सारे कुछ ग्रो हो रहे हैं, ये देखो ये वाला तो अभी मैंने अभी ऐड किया है, और अभी इसको 15 डेज में देखोगे ना ये बहुत बड़ा लाइन हो जाएगा यार इसका। और बाकी यहाँ पे भी मैंने ऐड किया है, और यहाँ पे भी ये देखो यार ये भी अच्छे से अभी ग्रो हो रहा है, इसके रूट्स वगैरह आने लगे हैं, और हमारे पानी में शार देखो यार कितने जबरदस्त होते हैं, ये देखो। और दोस्तों एक गुड न्यूज है, गुड न्यूज क्या है कि यार हमारे जो स्नेल है उसने यहाँ पे अंडे भी दे दिए यार, ये देखो ये स्नेल के अंडे, ये एप्पल स्नेल के अंडे, ठीक है, अभी कुछ दिनों के बाद ये भी हैच होना स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। तो ये वाले एप्पल स्नेल है, तो इसने ही मुझे लगता है कि अंडे दिए होंगे, ये वाले देखो ये तो अभी एडल्ट साइज की हो चुकी है, बहुत बड़ी हो गई है, ये देखो इसका कलर भी देख सकते हो फुल्ली ऑरेंज ऑरेंज कलर है, येल्लो येल्लो और ऑरेंज ऑरेंज, ये देखो इसके अंडे। और कुछ दिनों में इसके जो बेबीज है वो भी हैच होंगे, इसी में इनसे उम्मीद रखता हूँ। कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट था इतना अच्छा कामयाब तो नहीं रहा यार, मतलब कुछ प्लांट्स ग्रो हुए और कुछ प्लांट्स ग्रो नहीं हुए, तो अभी हम यहाँ से यहाँ पे क्या करते जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हम सिर्फ गप्पी ग्रास और जो फॉक्सटेल प्लांट है वही यहाँ पे हम ग्रो करेंगे। हे गाइस वेलकम बैक, और दोस्तों फाइनली हमने हमारे जो कैट्स है उनका हमने नाम सोच लिया है यार। और काफी सारे भाइयों के अलग 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 कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप वो नाम रोको ये नाम रोको, ठीक है, तो हमने यार सबसे ज्यादा जिसको जिस नाम पे ये थे तो हमने वो नाम चूज किया, ठीक है। तो दोस्तों हमारे जो फीमेल कैट है, कहा गया यार ये फीमेल, ये कौन, ये मेल है ना, हाँ ये मेल कैट है और ये फीमेल कैट है, तो फीमेल कैट का नेम हमने रख दिया दोस्तों रस्टी, और जो मेल कैट का नेम है दोस्तों उसका नाम हमने रख दिया सिम्बा, क्योंकि ये पूरा सिम्बा जैसा यार, देखो ना इसका पूरा कलर और इसका पूरा मतलब पूरा का पूरा ये सिम्बा जैसा है, ठीक है। तो चलो यार अभी इनकी क्लीनिंग वगैरह भी बाकी है, ठीक है, इनको अच्छे से अभी हम क्लीन वगैरह कर देंगे। ये देखो यार ये सिम्बा ने क्या कर दिया इसकी आंखों पे, अभी इसकी आंखें अच्छे से क्लीन करनी होगी, क्योंकि दोस्तों आज यार ये पूरा पूरा को पूरा दिन ऊपर टेरेस पे ही खेल रहे थे दोनों के दोनों, ठीक है, साइड वाले टेरेस पे भी जाके आए और इधर उधर मतलब ये जा ही रहे यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इनके ऊपर पूरा ध्यान है यार, क्योंकि जो वाइल्ड कैट्स होती है इनके ऊपर अटैक भी कर सकती है, और डॉग्स वगैरह से हमें इनको बचाना है, ठीक है, और इनसे हमारे फिशेज को खतरा है, हमारे बर्ड्स को खतरा है, ऐसे बहुत सारे भाइयों का कहना है, बट यार हमारे कैट इतनी ज्यादा फ्रेंडली कि यार स्नो और ब्लैकी के केज में जाकर रहे, ठीक है, आपको वो भी मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ, ठीक है, बहुत जल्द, बहुत ज्यादा अच्छी यार हमारी कैट, ठीक है। फाइनली दोस्तों हमने तो नेम डिसाइड कर दिया, तो आज से हम इनको नेम से बुलाएंगे। चल भाई सिम्बा आ जा, कैसा लगा यार आपको नाम, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। हेलो सिम्बा, और कहाँ है रस्टी, कहाँ है रस्टी को भी बुलाना यार, सिम्बा आज से तेरा नाम है भाई सिम्बा, कैसा लगा यार इसका नाम कैसा लगा भाई तुझे ये नाम सिम्बा, अच्छा नहीं लगा और ये हमारे रस्टी, आ जा भाई रस्टी, तू भी रस्टी 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 बैठ जा, चले यहाँ पे सीट सीट सीट, ओके गुड, ये देखो ये हमारी रस्टी, ओए सो गया, खेलना चाहता है यार ये सिर्फ खेलना ही चाहता है। तेरा आज से नाम है रस्टी, कैसा लगा तुझे नाम, अच्छा लगा, हेलो रस्टी रस्टी
चलो खेलो 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 जाओ जाओ खेलो खेलो। अभी ये क्या करेंगे, सीधा ऊपर टेरेस पे जाएंगे और वहीं पे खेलेंगे यार। वहाँ पे उनको क्या मिलता है भाई, बहुत अच्छे से खेलते ऊपर। दोस्तों आज मुझे हमारी दोनों मुर्गियों ने बहुत ज्यादा भगाया यार, ठीक है ना, बहुत ज्यादा थकाया यार इन्होंने। क्योंकि दोस्तों आज मैंने इनको इवनिंग में छोड़ा था बाहर चढ़ने के लिए पीछे, भाई ये सीधा जंप करके नीचे चली गई, ठीक है। और नीचे कब से चल रही थी भाई, बिल्कुल भी मुझे पता नहीं यार, ठीक है। मुझे कॉलेज से कॉल आई मेरे दोस्त की कि भाई दोनों मुर्गियां, ओए भाई 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 आराम से बैठो यार, मैं खा थोड़ी ना जा रहा हूँ तुझे। तो यार कब से घूम रही थी नीचे, ठीक है। और दोनों मुर्गियां भाई बाहर भाग गई, ठीक है। तो यार इनको बड़ी मुश्किल से मैंने पकड़ा, अभी भी खा रही है देखो। और यहाँ पे हमारी जो रस्टी है बेटी है, रस्टी और इनकी अच्छी दोस्ती हो गई है, ठीक है। मैं जब इनके साथ रहता हूँ तो मैं हमारे रस्टी सिम्बा और हमारी दोनों मुर्गियों को साथ में ही छोड़ देता हूँ। ये देखो ये हमारे रस्टी और सिम्बा का है यार, सिम्बा वहाँ पे खेल रहा है। जाएगी उनको मत पकड़, उड़ जाती है, उनको पकड़ना नहीं। नहीं 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 तुझे, तेरे पे अटैक करेगी वो। और दोस्तों हमारी जो लिली है उसके अभी दो अंडे हो चुके यार, ठीक है। मतलब कल एक दिया था और आज दोपहर में एक दिया था, ठीक है। और हमारी लिली अंडा कहाँ देती है भाई, यहाँ पे देती है इस वाले कोने में, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्रीन नेट लगाई ना, तो उसको लगता है कि भाई उसका नेस्ट है, तो वहीं पे वो अंडा दे देती है हर रोज। मतलब कल ही दिया और आज दिया, मतलब अभी हमारी जो लिली है अभी दो रोज वहीं पे अंडा देने वाली, हर रोज वहीं पे अंडा देने वाली है। दोस्तों आज हमने हमारे दोनों कैट्स का नेम रख दिया, ठीक है, सिम्बा और रस्टी, ठीक है। और आपको नेम कैसा लगा आप मुझे जरूर सजेस्ट करना। और दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक करना। हमारे केज में चलो जाओ दोनों, तू भी जा। अरे यार ये न्यू वाली मुर्गी बिल्कुल भी सुनती नहीं यार। चलो भाई बहुत खाना खा लिया तूने तो, चलो चलो अभी अंदर चलो। अरे यार चलो 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 अंदर, चलो अंदर चलो चलो। गुड बॉय गुड गर्ल, आराम से।